कहिए भैया गोपी चंद। वैसे तो जब हर भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसकी ससुराल में आता है तो उसे भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ देकर के जाता है, लेकिन आज ये तेरा भाई इस हालात में तेरे द्वार पर आया है, आज तुझे कुछ देने के लिए नहीं बल्कि तेरे हाथ से भिक्षा लेने के लिए आया है। अपने भैया को अपने हाथ से भिक्षा नहीं दोगी? भिक्षा? हाँ। ये कैसी बात कर रहे हो भैया आप गोपीचंद, और ये किस तरह के वस्त्र धारण कर रखे हैं आपने? हे बहन चंद्रावल, मैं राजपाट दुनिया की मोह माया को छोड़ करके अब साधु संन्यासी हो चुका हूँ। आज इधर से गुजर रहा था तो याद आ गई कि माजाई बहन है चंद्रावल, उससे मिल चलूं, इसलिए आज तेरे द्वार पर आकर के मैंने अलख जगाई है। मुझे भिक्षा घाल करके मुझे यहाँ से लौटा दे। मोह माया को छोड़ दिया? हाँ। ये कैसी बात कर रहे हैं भैया गोपीचंद, मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, सुनिए मेरी बात। कहिए। बुजुर्गों से भी, अपने भाइयों से भी, माता बहनों से भी, क्योंकि आपने जब इस समय तक इस कार्यक्रम को सुना है और देखा है, मात्र एक रागनी हम आपके बीच में गा रहे हैं, इसमें 5 मिनट लगो, 7 मिनट लगो या 8 मिनट लगो, तो इतना समय दिया है तो इस एक रागनी के लिए भी आप अपना स्थान ग्रहण करके रखें, क्योंकि अगर आप एक ही रागनी को छोड़ करके यहां से उठोगे जाओगे या उस पर ध्यान नहीं दोगे, हो सकता है कार्यक्रम की आपको सबसे अच्छी रागनी लगे। इसलिए मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि आपस में कोई भी बातचीत ना करें, इस रागनी को भी इसी भावना से आप सुने। साथियों, बहन और भाई के बीच में, क्योंकि अभी रक्षाबंधन का त्योहार आएगा, पूरे दुनिया भर के अंदर भागदौड़ हो जाती है, हर बहन अपने भाई को अपने भाई की कलाई पर पहुंची बांधने के लिए रक्षाबंधन के दिन याद करते हुए और उसके वहां पर आती है, तो यह बहन और भाई के बीच की रागनी चल रही है। आज चंद्रावल के द्वार पर उसका भाई बाबा जी बन करके आया है, साधु के भेष में आया है, तो एक बहन अपने भैया की उस हालात को देख करके रो पड़ी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और पूछ रही है कि भैया तू तो इतना बड़ा राजा था, तेरे घर में इतना धनमाल था, इतना सब कुछ होने के बाद में तूने जोग धारण क्यों कर लिया, आखिर क्या बात हो गई, किस तरह से पूछ रही है, कैसे भला? सर पे ताज धरे था बी
बहना तेरा भैया राज करे था, ओ तेरा भैया राज करे था, कन्यारे भिकारी महाराजा तेरा जगत लिहाज करे था। भरत वंश का हर बच्चा मेरे ऊपर नाज करे था, ओ मेरे ऊपर नाज करे था, भस्म रमा घर घर हांडरे तेरी सोने जैसी काया, भीगे घाल दे चंदे रावण में जो की गणे के आया, ओ मैं जो की मन के आया, पड़ी भारी परमेश्वर का भजन करूं मैं बन योगी तपधारी, ओ मैं बन योगी तपधारी, किसके ऊपर सवर करे मेरी रोके मरगी महतारी, माता ने आ देश दिया मेरे बेटे बनो रे पुजारी, ओ मेरे बेटे बनो रे पुजारी, और कैसे न्यारा कर दी आदेश के अनुसार मैंने ये जोग धारण किया है, लेकिन कोई भी माँ अपने इकलौती संतान को जोग धारण करने के लिए कैसे कह सकती, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता भैया गोपीचंद। हे बहन चंद्रावल, कहिए। माता को मैंने भी समझाया था कि मुझे जोग ना दिला, लेकिन माता ने इस चाहत में कि उनका बेटा उनकी आंखों के सामने हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेगा, उनका बेटा अमर हो जाएगा सदा के लिए, कभी भी नहीं मरेगा, इसलिए मेरे इस जीवन की चाहत में मेरी माता ने मेरे लिए आदेश कर दिया कि बेटे इस राजपाट को छोड़ करके और तू अपने मामा भर्तृ की तरह जोग धारण कर ले। इसलिए माँ के आदेश का पालन करते हुए मैंने बहन चंद्रावल जोग धारण कर लिया, दुनिया की मोह माया राजपाट धन दौलत सारी चीजों का त्याग कर दिया, सबको छोड़ करके मैं साधु संन्यासी हो गया। आज इधर से आ रहा था तो याद आ गई तेरी, सोचा कि कई वर्षों के बाद मैं इधर आया हूं तो बहन से मिल चलूं, उसकी राजी खुशी लेता हुआ जाऊं, इसलिए तेरे द्वार पर आ पहुंचा। और तू कुछ और भी पूछना चाह रही है बहुत, तो अपने मन के तेरे मन की जो भी बात है वो अपने भैया से कह ले। सुन लीजिए, कहिए। Say
कर्मों के अनुसार भोगी ते दुख सुख सभी ये प्राण हो दिखे दुख सुख सभी ये प्राण और झाल बदने की डटती कोन्या चढ़ती हुई रह जवानी संयम और साधना से सब मिट जाती परेशानी ओ सब मिट जाती परेशानी और इस ते भारी के वे पिता रे मन क्यों इतना तड़पाया से पहले एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरे घर में 16 रानी है 12 कन्याएं मेरी एक बहन है और एक बूढ़ी माँ भी है। अरे मेरे जोग धारण करने के बाद इनका ख्याल कौन रखेगा भैया गोपीचंद। हे बहन, मैंने भी माता को ये बातें समझाई थी लेकिन माँ ने रट लगा ली ये जिद की कि गोपीचंद अगर तू मेरा बेटा है तो बेटे जोग ले ले, सब कुछ छोड़ दे, अमर हो जा सदा के लिए। और जिस माँ की कोख से मैं पैदा हुआ, जिससे मैंने जन्म लिया, जिसने मुझे इस संसार को दिखाया, मैं उसकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ? अच्छा। इसलिए माँ के आदेश का पालन करते हुए मैंने जोग धारण कर लिया। सुन लीजिए, कहिए। धर ले बहन नाटेली हर तेरा ध्यान करेगा ओ मो हर तेरा ध्यान करेगा बार है कन्या तेरे बिन कौन कन्या दान करेगा वो सब का मालिक रखवाना रक्षा भगवान करे